I don't want to glorify being busy, but I really prefer when a day ends and I'm satisfied with what I have achieved. If you enjoy Honeycomb Bread, hit the like button, subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon for the latest updates. Honeycomb Bread, Middle East countries ke ek bahut popular bread hai aur generally ise Ramadan mein banaya jata hai. ये ब्रेड बेसिकली सॉफ्ट डो से बनाई जाती है जिसके अंदर क्रीम चीज़ की फिलिंग होती है. इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. ट्रस्ट मी, दिस ब्रेड डजंट लास्ट लॉन्ग इन माई हाउस. तो चले बनाते हैं. इसके लिए लेते हैं 3 कप्स ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लावर, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 3 टेबल स्पून शुगर, 1.5 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट, 1/2 टीस्पून सॉल्ट. Give it a mix. इसके बाद इसमें मिलाएं 4 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, 4 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल. इसमें शामिल करें 1 एग, अंडा, 1 एग, अंडा. इसे अच्छे से मिला लें. इस डो को बनाने के लिए हमें लुक वॉर्म मिल्क यानी नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करना है. मिल्क का टेम्परेचर उतना हो जिससे हमारे हाथ जले नहीं. हमारा डो जितना सॉफ्ट होगा उतनी ही सॉफ्ट और जालीदार हमारी ब्रेड बनेगी. इस डो को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 3/4 ऑफ द कप का इस्तेमाल किया है. सॉफ्ट डो तैयार करने के बाद इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगाएं. डो को अच्छे से कवर करके इसे किसी वॉर्म जगह पे तकरीबन 2 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए रख दें. डो राइज होने के बाद साइज में डबल हो जाएगा. चले अब बनाते हैं शुगर सिरप, जिसे हम चाशनी या शीरा भी कहते हैं. इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप ऑफ शुगर, 3/4 कप ऑफ वाटर, 3 to 4 minutes तक पकाएंगे और इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि शुगर हमारी मेल्ट हो जाए. शुगर सिरप हमें ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है, नहीं तो ये थिक हो जाएगा और हमें थिक नहीं चाहिए. स्विच ऑफ कर देंगे हम फ्लेम और इसमें मिलाएंगे हम 1 टेबलस्पून हनी. इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे. शुगर सिरप ठंडा होने के बाद स्लाइटली थिक हो जाएगा. दो घंटे बाद हमारा डो अच्छे से प्रूफ हो चुका है और देखेंगे डबल साइज में राइज हो गया है. ड्राई फ्लावर डस्ट करके इसकी सारी एयर हम रिलीज कर देते हैं. डो को फिर से हल्का सा नीट करके स्मूथ कर लेंगे. इसके बाद हमें डो से छोटे छोटे बॉल बनाने हैं. बॉल ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए क्योंकि अभी हमें इसमें फिलिंग करनी है जो कि होगी क्रीम चीज़ की. सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं. इन सारे बॉल्स में चीज़ की स्टफिंग करेंगे. एक पोर्शन चीज़ का ले करके एजेस को अच्छे से सिक्योर करें और उसे सील कर दें. यहाँ बेकिंग के लिए मैंने 10 इंच पैन लिया है. इसे मैं अच्छे से ऑयल से ग्रीस करूँगी. ये हनीकॉम ब्रेड है तो हम पैन में सारे बॉल्स हनीकॉम पैटर्न में प्लेस करेंगे. बॉल्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस रखेंगे सो दैट दे कैन राइज. इसे कवर करके 15 मिनट्स के लिए राइज होने के लिए रख दें. हमें एक बीटन एग चाहिए जिसे हम एग वॉश की तरह यूज़ करेंगे. एग वॉश अप्लाई करने से ब्रेड के ऊपर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आता है. इन द मीन टाइम अवन को 15 मिनट्स के लिए प्री हीट करें. हमें ब्रेड को 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 20-25 मिनट्स तक बेक करना है. गोल्डन ब्राउन सॉफ्ट एंड चीज़ी हनीकॉम ब्रेड तैयार हैं.
शुगर सिरप जो हमने पहले तैयार किया था वो इस वक्त रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और हम इसे पोर करेंगे गरम गरम ब्रेड पे। डोंट वरी, शुगर सिरप से आपके ब्रेड सॉकी नहीं होंगे क्योंकि वो पूरा अब्जॉर्ब कर लेगा। आई गारंटी यू कैन नॉट रेजिस्ट दिस। इफ़ यू ट्राई दिस रेसिपी डू कमेंट बिलो। आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक। Crafted Kitchen is signing off and I'll see you in the next video. Hey, come on guys, shooting is over.